हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पकवान। आज हम बनाने वाले हैं हैदराबाद के फेमस कराची बिस्किट, जिसे हम घर पर ही बनाएंगे और इसे बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ मैंने आधा कप घी लिया है, आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। आधा कप पिसी हुई चीनी। अब इन दोनों को अच्छे से मिलाएंगे, आप हाथ की हेल्प से भी मिला सकते हैं। इसे कम से कम 5 से 6 मिनट तक लगातार मिलाते रहेंगे, जब तक ये क्रीमी ना हो जाए। आप देख सकते हैं अभी क्रीमी हो गया है। अब इसी टाइम हम इस पर मैदा मिला देंगे। यहाँ मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, हम इसे पहले छान लेंगे। अब 1/4 कप कस्टर्ड पाउडर लेंगे, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इसे भी छान लेंगे। अब इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसमें 2 चम्मच टूटी फ्रूटी डालेंगे। अब इसमें फ्रूट एसेंस डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें काजू डालेंगे कटे हुए, यहाँ मैंने काजू और बादाम दोनों डाले हैं, इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें दूध डालेंगे, यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच दूध का यूज़ किया है। अब इसका डो बना लेंगे। आपको बहुत ही हल्के हाथ से इसे मिलाते जाना है और कुकीज़ का डो तैयार कर लेना है। लीजिए, हमारा कुकीज़ का डो बिल्कुल तैयार है। अब इस डो को पॉलीथीन पे रख देंगे और इसे कुछ इस तरीके से शेप देंगे। आप जो चाहे वो शेप डाल सकते हैं कुकीज़ की। इसे पॉलीथीन से रैप कर देंगे बिल्कुल टाइट। इसे 10 से 15 मिनट के लिए हम फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। 15 मिनट बाद इसे निकाल लेंगे और एक नाइफ की हेल्प से इसे काट लेंगे। इसे कुछ इस तरह से काटना है हमें। और अब इसी तरह सारे कुकीज़ काट कर हम ट्रे पर रख लेंगे। अब इसे प्री हीटेड ओवन में कन्वेक्शन मोड पर 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारी कुकीज़। ये खाने में आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे और इसे बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार ज़रूर बनाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।